हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा में सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका 2 साल का वीज़ा लग जाता है, तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ आके, क्या आप स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्या आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आपके सारे ऑप्शंस हैं वो मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो जैसे स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्टडी, लेकिन स्टडी के लिए आप हर एक कोर्स है वो नहीं खुला होता, कुछ ही कोर्स खुले हुए होते हैं। जो ATA सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होता है अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस होती है वो बहुत ही कम होती है। मैं इसका आपको रीज़न देती हूँ क्यों। क्योंकि जब आप UK में आ रहे, जब से अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है तो उसकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उसको जो UK की जो यूनिवर्सिटी है वो स्पॉन्सर कर रही है, यहाँ पर रहने के लिए उसको स्पॉन्सरशिप दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि उनके लिए उन यूनिवर्सिटी को एक तरीके से स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती है उन्हें, तो वो एक्सपेंडिचर को उसको ऐड करके वो जो आपकी फ़ीस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन अगर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे जाते हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करने की नीड नहीं है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी हेयर। तो एक तरीके से आप उस फीस को पे करेंगे जो एक होम स्टूडेंट पे करता है। जॉब आप यहाँ पे हर तरीके की कर सकते हैं, जो अनस्किल्ड जॉब हैं, लो स्किल्ड जॉब हैं वो तो बहुत सारी हैं, और जो स्किल्ड जॉब हैं उसमें IT, नर्सिंग हो गया, और रिसर्च की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। जॉब आप यहाँ पे किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। कुछ ही जॉब्स होती हैं जो सिक्योर्ड होती हैं, जो लोग यहाँ पे 5 साल तक रह चुके हैं, 10 साल तक रह चुके हैं, उन लोगों के लिए। तो ये वाली जो जॉब्स हैं आप उनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए नहीं है, डिपेंडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, वो लोग भी इन जॉब्स को नहीं ले सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं उन लोगों के लिए। ये बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें यू कैन टेक जॉब एंड यू हैव बेटर स्कोप इन फ्यूचर। लेकिन आप इसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं बुला सकते, ना ही हस्बैंड, ना बच्चों को, किसी को नहीं। You'll have to come alone and stay alone. यहाँ पे आके आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। आपको 5,000 pounds से ऊपर आप नहीं लगा सकते अपने बिजनेस में, उससे ज़्यादा इक्विपमेंट आप नहीं रख सकते, और साथ में आप किसी एम्प्लॉई को हायर नहीं कर सकते। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी पेंटिंग का आपने अपना सेल्फ का वर्क स्टार्ट कर रखा है, तो वो एक तरीके से छोटा वर्क है। तो आप इस तरीके के कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड टास्क कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक बिजनेस, इट्स लाइक जस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब मैं बात करती हूँ वीज़ा एक्सटेंड को लेके। तो ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं होता, आप इसको आगे एक्सटेंड नहीं करा सकते, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है इसको कन्वर्ट कराने का। यानी कि अगर मान लीजिए आप 2 साल के बीच में किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप जॉब ले लेते हैं, किसी भी सेक्टर में आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आप अपने वीज़ा को उसी टाइम यूथ मोबिलिटी वीज़ा से कन्वर्ट करा के फटाफट इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा में या फिर केयर वीज़ा में आप कन्वर्ट करा सकते हो, जिससे कि आप अगर 5 साल उसमें स्पेंड करते हैं तो यू कैन टेक PR। अगर आप जॉब्स बाहर से अप्लाई करते हैं, आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड UK से अप्लाई करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है वो जॉब्स को लेना, बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं रख सकते, दे विल हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप विद इन UK में रह के अगर आप जॉब सर्च करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि स्पॉन्सरशिप जॉब बहुत ईजी हो जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली बाहर से ढूंढने के काफ़ी आसान हो जाती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इस बैलेट में सक्सेसफुल होता है वो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे पिंग करें, क्योंकि मैं क्या करूंगी कि जो मैंने फरवरी मार्च वाला बैलेट था उसमें भी किया था कि जो लोग सक्सेसफुल हुए थे उनका एक ग्रुप बनाया था, जिससे कि वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते थे, जिससे कि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कोई होगा, आप साथ में एक तरीके से डेट पिक कर सकते हो कि चलो उस दिन की फ्लाइट बुक कर लेते हैं। मैं आपको उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर दूंगी जो दूसरे लोग यूथ मोबिलिटी वीज़ा में सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग एक ग्रुप बना के आराम से मतलब एक कनेक्ट हो सकते हैं, कि ताकि आप इस कंट्री में जब आओगे तो यू विल नॉट बी अलोन, आपको एक कोई कंपनी होगी। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। मैंने इस वीडियो में सारा बताया कि आप 2 साल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।